हम गए थे छतरपुर में, ये बात भी सुन के रखिए, छतरपुर एक उड़ीसा का बॉर्डर में एक मंदिर है, उस मंदिर में जब गए तो मंदिर में रात में हम घूमने गए थे, उस मंदिर में एक मेरे साथ एक घटना भी हुआ था कि बाबा को खिचड़ी खाने का इच्छा हुआ, तो बाबा के साथ बहुत सारे आदमी थे, हम कभी खाना पकाते नहीं है, तो उस दिन हम सबका खाना पकाए थे तो तो हम उस दिन खाना पकाए थे उस दिन, तो रात में हम देखने गए थे क्या हो रहा है, तो नीचे जाके देखे सब मंदिर के जो भक्त आए थे मंदिर में जूता का क्रम जो सजा के रखे हैं उस गांव में, एकदम इंटीरियर गांव, सब कोई जूता एकदम समेट के सजा के रखे, मतलब वाह, ये जूता रखने का क्रम देखकर भी तो प्रेरणा मिल सकता है कि हाँ ये आदमी लोग समझता है कि कैसे रखना चाहिए जूता, तो ये लोग ठाकुर लेकर बहुत आनंद में रह सकता है। हम गए थे बाबा के साथ एक बार, आप लोग जानते हैं इस प्रसंग नाम का बड़ौदा के साथ कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन का जो यह होता है, उस कॉन्वर्सेशन का जो लिखित लेते थे कृपा सिंधु रक्षित और श्याम सुंदर रक्षित, तो कृपा सिंधु के गांव में मंदिर हुआ था बड़ौदा के इच्छा से, तो उस मंदिर में गए, तो जिस दिन उस नगर में बाबा गए तो पूरा नगर वाले एक बेला बाजार बंद कर दिया, और नगर का प्रवेश पथ से वो लोग कोई दीक्षित नहीं था, लेकिन प्रभाव ऐसा हुआ कि वो लोग सोचा कि हम भगवान का दर्शन से जा रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं आलपोना, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं जाते हैं, वो जो रंगोली बनाते हैं वो सफेद सफेद से पूरा रास्ता को रंगोली से सजाया मंदिर तक, और पूरा नगरवासी पहुंचा मंदिर में, एक भी शोर नहीं, एक भी शराबा नहीं, अधीक्षित प्राण नियंत्रित, वैसा करके वो लोग एक एक करके आए, बाबा को प्रणाम किया और निकल गए, वॉलंटियर का भी आवाज नहीं था, उतना सहस्र आदमी वैसा वैसा निकल गया, आप लोग इतने सारे हैं कोशिश कीजिएगा वैसा करके निकलने का। आप लोग सब मंगल